नमस्कार, आप सभी का नाम सोम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहे हैं जिस क्षेत्र के, वहाँ के परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। वैसे भी आ चुके हैं दुर्गावती क्षेत्र में, यहाँ के भाग दो के जिला परिषद अभी हमारे साथ हैं, इनसे परिचय लेते हैं और आगे बातचीत को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार जो है कि हम चाहेंगे, हालांकि आप परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, एक बार संक्षेप में परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार यादव, मैं अभी दुर्गावती भाग दो से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य बना हूँ। मेरा गांव सावठ है, दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। और जैसे आप देखने में और लोगों से पता भी चला कि आप बहुत अभी कम एज के हैं राजनीति में। जी जी, लोग आपको मतलब एक तंज के ऐसे कह लीजिए कि बहुत छोटे हैं अभी राजनीति के लिए, तो इस सवाल का जवाब किस रूप में देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें 100% पर 100% सच्चाई है कि मैं सबसे कम उम्र का जिला परिषद निर्वाचित हुआ हूं। और देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि राजनीति में उम्र मायने नहीं रखती है, राजनीति में मेहनत, काबिलियत, पकड़ ये मायने रखता है, जो कि मुझे दुर्गावती भाग दो की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास करने का काम किया इस बार। जी जी। अच्छा, वैसे हम भी जानना चाहेंगे और जो जनता सुन रही होगी, अभी आपकी रियल एज क्या है? लगभग 22 साल। 22 and a half। हाँ, इस उम्र में देखिए कहावत भी है कि गांव मतलब देहात से जुड़ा हुआ और एक शहर से जुड़ा हुआ। इस उम्र में शहर के बच्चे थोड़ा बहुत लफड़बाजी में ज़्यादा ध्यान देते हैं और यहाँ जो है कि जनता का सेवा करने के लिए भाव रखते हुए समाज में आ गए हैं इतनी कम उम्र में। तो ये जो आपका कम उम्र का राजनीति है, और हालांकि आप युवा भी हैं, इसको युवाओं को किस तरफ इसका लाभ आपको मिल सकता, किस तरह से भरपूर मात्रा में? देखिए, मैं युवाओं को पूरी हर स्थिति परिस्थिति में युवाओं के साथ खड़ा रहने का काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में हो या खेल कूद के क्षेत्र में हो। मैं युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। और रही बात कि मेरे जीतने के बाद युवाओं को क्या लाभ मिलेगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि युवाओं की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं था। युवाओं जैसे बड़े बुजुर्ग जो जीतते थे, लगभग जिनकी उम्र 45 से 60 साल रहती थी, उनसे अपनी बात खुलकर युवा नहीं कह पा रहे थे कि मेरे पास ये समस्या है। लेकिन दीपक हेजिटेशन होता था। हाँ, हेजिटेशन होता था अपनी बात को रखने में। लेकिन दीपक के साथ तो कंधा पे हाथ रख कर भी और हाथ मिला कर भी लोग युवा बात कर ले रहे हैं, अपनी बातों को अच्छी तरह रख ले रहे हैं। तो यही है कि नहीं दीपक बाबू, हम कोई समस्या पूरा एकदम कहानी पे हाथ रख के। अच्छा, अपनी मित्रता वाली व्यवहार और पूरे युवाओं में खुशी की लहर है। ठीक है, सारे युवा मैं जिला परिषद दुर्गावती भाग दो से जीता हूँ, लेकिन पूरे शाहबाद के युवा हमारे हमसे मिलने आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और मैं उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं हर एक क्षेत्र में जाने का काम करूंगा, न कि दुर्गावती भाग दो में रहूंगा, हर एक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और आगे बढ़ने की जो है कि सोच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता सेवा करना है मुझे। जैसा आप जब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपके समक्ष आया, इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं? मैं जब चुनाव प्रचार में सबसे पहले जब चुनाव प्रचार प्रारंभ किया, तो सबसे पहले मेरे साथ समस्या जो आप एज वाली समस्या बताए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे साथ एज वाली समस्या है, लोग कहे कह रहे अबे बच्चा वाला, अभी अभी एज कम है। अच्छा। अभी अभी पढ़िए लिखिए, अभी खेलिए कूदिए, उसके बाद राजनीति कीजिएगा। अच्छा, अभी खेल कूद का उम्र बता रहे हैं? हाँ, वो लोग बता रहे थे कि अभी आपका खेल कूद का उम्र है, अभी खेलिए कूदिए, उसके बाद तो राजनीति करने का बहुत उम्र है। लेकिन मैं इन सभी समस्याओं का सामना करता रहा और अपनी बातों को। क्या सोचते थे उस वक्त जब ये सब तंज कसा जाता था, तो कुछ दिमाग में आता कि बड़ा काबिल बना, तुम ढेर ज्ञान देते? नहीं नहीं, ऐसा बात मैंने सोचते थे। मैं उन लोग को बात को ये मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, कम उम्र का लड़का भी हम कह रहे हैं कि कम उम्र का लड़का राजनीति में आगे बढ़, चूंकि देखिए राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए 21 साल पंचायती चुनाव के लिए निर्धारित है और मेरा 22 साल उम्र हो गया, तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। और युवाओं का जबरदस्त सपोर्ट रहा और गार्जियन लोग का भी आशीर्वाद के चलते मैं चुनाव जीता इस बार। हाँ बिल्कुल। अब रणनीतियाँ क्या क्या बनाए हैं, कि जैसे बहुत सारी खामियां होंगी सिटिंग कैंडिडेट की, आपसे पहले जो थे। हाँ, इसी वजह से आपको चुनाव में आना पड़ा, जीत भी गए। पहले तो आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। क्या रणनीतियाँ हैं, आगे क्या क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए? जी, मैं सिंचाई हो और आजकल जो ब्लॉक पे जो दलाल टाइप के लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बिचौलिए तो टाइप के लोग घूम रहे हैं,
अच्छे अच्छे लोग जाते हैं और ब्लॉक का चक्कर काटते हैं, और दलाल लोग 150 लेकर के काम करा देते हैं, और जो बिना मतलब अप्रोच वाले बिना सोर्स वाले लोग जाते हैं उनका काम नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे पहले दुर्गावती ब्लॉक को दलाल मुक्त बनाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, दलाल मुक्त बिना। इसके लिए भी कुछ प्रारंभ किया है कुछ? अभी हाँ, इसके लिए मैं अब करूँगा अभी। हाँ, अभी तो रणनीतियाँ बना रहे हैं। हाँ, रणनीतियाँ बना रहे हैं, उसके लिए बातें होंगी, उसके लिए हम उच्च अधिकारी से बात करेंगे, और मुझे कार्यभार लेने के बाद हमको लगभग 15 दिन में मैं ये सारा चीज़ खत्म कर दूँगा धरातल से। धरातल से बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो चीज़ें आपने गिनाया, ये तो मान लीजिए कैजुअल वर्क है जो आपकी फंडिंग और जो भी चीज़ें आती इसमें करेंगे आप, आपके आने से आपके क्षेत्रवासियों को कुछ नया क्या मिल सकता है? हाँ, मेरे आने से मेरे क्षेत्रवासियों को एक आशा की उम्मीद, मतलब अंदर एक आशा की उम्मीद आ गई है, और वो लोग के अंदर ये है कि युवा है और जाति, देखिए सबसे पहले मैं जाति पाति से उठकर राजनीति किया हूँ। अच्छा, इसका प्रचार प्रसार में कहीं कुछ देखने को मिल रहा था कि आप इस जाति के हैं तो हम तो के वोट ना देते हैं? मेरे साथ ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ देखने को नहीं? नहीं, मेरे साथ जितने लोग आए जाति का जिक्र नहीं किए। हाँ, मुझे ये सामना करना पड़ा कि नहीं, कम उम्र का बालक, उम्र सामने आ रहा था। हाँ, बिल्कुल आ रहा था, उम्र का सामना मुझे जबरदस्त तरीके से करना पड़ा। लोग बोले कि नहीं, अभी खेले कूदे का उम्र बा, अभी पढ़ाई लिखाई करो, राजनीति में मत आइए आप, इस तरह का सामना करना पड़ा। मैं इन लोग मतलब इन लोग को अलग रख के मैं अपना बढ़ता गया, लोगों से मुलाकात करते, अपना कार्य करते गए, अपनी बातों को प्रमुखता पूर्वक लोगों तक पहुँचाने का काम किए। हाँ, और जात हर एक समाज के लोग, दुर्गावती भाग दो से मुझे हर एक समाज के लोग ने वोट देने का काम किया है। और जैसे जब वहाँ पे निर्वाचन विभाग में आपका जब नाम अनाउंस हुआ होगा कि नहीं दीपक यादव विजेता, जी जी, उस समय क्या एहसास था आपका? उस समय मुझे बहुत खुशी हुआ कि दुर्गावती भाग दो की जनता ने एक नेता नहीं बल्कि एक बेटा को चुनने का काम किया है। अच्छा, हमेशा दुर्गावती भाग दो में नेता चुनाव जीतते थे, लेकिन इस बार एक बेटा चुनाव जीता है, यही मुझे अंदर से महसूस हुआ जब नाम आपका घोषित हुआ। जी 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 जी, मुझे लगा कि मतलब एक बेटा का चुनाव हुआ है, और मैं हर एक दरवाजे तक जाने का काम कर रहा हूँ। लगभग मैं जिस दिन से चुनाव जीता हूँ मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं ना कहीं क्षेत्र में जनता से आशीर्वाद ले रहा हूँ, हाँ, डोर टू डोर। चलिए, और ये आपकी क्षेत्र की जनता भी उम्मीद करे कि आप जो है कि उस चीजों के साथ ही जो आपके ऊपर एक लोग गार्जियन स्वरूप लोग जो लगा रहे हैं कि आप कम उम्र के, खेलने खाने का उम्र है, सेवा करने का नहीं, तो ये उनको पलटवार जवाब काम के तौर पे मिले। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम कम उम्र में भी और ज्यादा जोश के साथ काम कर सकते हैं। अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपनी जनता जनार्दन से? हाँ, मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ, दुर्गावती भाग दो की जनता से, साथ में जितने लोग हमसे जुड़े हैं, ये नहीं कि सिर्फ दुर्गावती भाग दो की जनता, जहाँ भी आपकी आपको जहाँ भी जिस प्रकार की भी समस्या हो आप हमसे कहिए, और हम लोग मिलजुल कर किसी काम को करेंगे, यही हम जनता से अपील करेंगे, और हर संभव मदद करने का हम आपसे आपके आपका काम करेंगे, जहाँ भी समस्या हो मैं मदद करने का काम करूँगा यथासंभव। यथासंभव, चलिए इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए कैंडिडेट साथ, तब तक के लिए इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बाकी आपको ये नेता कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जीते हुए कैंडिडेट हैं, पहली बात एज मैटर नहीं करता है, काम मैटर करता है, तो लोगों ने तराशा है इस बार, और ये बिहार में हमें नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड टूटने वाला है आपका जो है इतनी कम उम्र का, तो ये रिकॉर्ड बना रहे और आगे भी ऐसे ही आप रिकॉर्ड बनाते रहें राजनीति के क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।